जय हिंद। आज एक इंडिया वाली बीमारी की बात करते हैं, डिप्रेशन इज अ जूजू पहली, और जो भारत में बिल्कुल नहीं होती। मतलब भारत जब मैं कहता हूं तो वो हो गया खेत किसान असली भारत, इंडिया जो बड़े जो अमीरों की बीमारी है बेसिकली, जहां ये कहते हैं अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार, आपको किसी ने अमीर होने से नहीं रोका, आप भी मेहनत करो पैसा कमाओ अलग चीज़ है। लेकिन डिप्रेशन एक बड़ा जूजू सा पाल के रखा है। आज से 15 साल पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं हुआ करती थी जिसको डिप्रेशन कहते थे। पहली चीज़, ना कोई इसका टेस्ट है जानने का। एक अच्छा खासा इंसान जिस दिन पागलपन पगला टाइप का हो जाए ना, जिसको बोलते हैं गाँव की भाषा में बोलते हैं पगला टाइप का, सो द मोमेंट समबडी इज फीलिंग लो देन दे कॉल दिस इज डिप्रेशन। इट्स जस्ट बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट अ चूर्ण डॉक्टर्स ने क्रिएट किया है, क्योंकि उनको भी 15 साल की पहले की बात बता दे, 10 से 15 साल पहले। यार सीधी सी बात है, डिप्रेशन होता क्या है? ये विल्ले लोगों की एक बीमारी है। अमीरों में जो विल्ले होते हैं उनको कहते हैं डिप्रेशन। जैसे गरीबों में शराब पीने का जिनको बहाना चाहिए तो बोलते हैं यार हम बड़ा टेंशन में, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। ऐसा है, समस्याएं बहुत हैं। जो आदमी काम करता ना सुबह से लेकर रात तक, उसको कोई डिप्रेशन टाइप का कोई ऐसा जूजू नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई कॉल डिप्रेशन इज अ जूजू ऑफ यूएलडी, अर्बन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, राइट? हाँ, ये तो हो गई प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों जिनको, मान लीजिए जिन्होंने ये जूजू पाल लिया है, जिनने ये दिमाग में रख लिया कि डिप्रेशन कुछ होता है। आजकल तो मुझे पता चला कि 10-12 साल के बच्चों को डिप्रेशन होता है। वाह बेटा, हम लोग तो सुबह से लेकर रात तक इतनी प्रॉब्लम झेलते हैं, कुछ नहीं है, घर जाओ माँ बाप के पास बैठो, पूरा डिप्रेशन आउट। सो लेट्स वर्क ऑन द सोल्यूशन। डिप्रेशन का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, सूरज के पास जाओ। विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा लो लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। सॉल्यूशन, सूरज के पास जाओ, मतलब नेचर के पास जाओ पहला। दूसरा, आपको खुश रहना जरूरी है, मतलब परिवार वालों के साथ खुश रहिए, अच्छा खाना जो मिल रहा है मस्त खाओ, एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपकी बॉडी में पसीना नहीं निकलेगा, पसीना मतलब पूरा कचरा बाहर। तीसरा, आंख बंद करके रियलाइज करना बहुत जरूरी कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्योंकि आपसे बड़ा आपका कोई गुरु नहीं है। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। मैं कोई प्राणायाम और योगा नहीं बता रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं, सिर्फ सांस लो छोड़ो। चौथा, सच बोलना शुरू करो। सच बोलना शुरू करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि झूठ से ही पूरा डिप्रेशन है। जब आप झूठ बोलते हो फिर आप सोचते हो कि यार मैंने क्या बोला था, मेरी माँ से और मैंने बाबूजी से बड़ी अच्छी चीज सीखी कि सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमेशा याद रखो पिछली बार क्या बोला था। इसलिए जो कहते हो सच बोलो यार। अगर किसी से आपको प्रॉब्लम है ना, कह के खत्म करो, क्योंकि दिल में रखोगे फिर ये आपका जूजू पालोगे आप डिप्रेशन वाला। तो सच कहना शुरू करो, झूठ बोलोगे नहीं डिप्रेशन किस बात का। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, घर वालों के साथ वक्त गुजारिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, अपने माँ बाप को वक्त दीजिए। और डिप्रेशन के लिए स्विमिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। और थोड़ा घूमना जाओ, पार्क जाओ, थोड़ा घूम के आओ, कोई डिप्रेशन कुछ नहीं होता। हट, ये सब दिमाग में पाला हुआ है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। एक मुझे टेस्ट बताओ जिसमें रिपोर्ट आती हो कि दिस गाय इज सफरिंग फ्रॉम, फीवर आता है ना, फ्रॉम दिस, फ्रॉम डिप्रेशन। ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ साइकियाट्रिस्ट लोग हैं जिनने अपनी दुकान चलाने के लिए कर लिया। आओ हमारे पास, हमारे पास किसी के डिप्रेशन की बड़ी सिंपल सी दवाई है। माँ बाप के पास जाइए, माँ को बोलिए एक थप्पड़ मारे, पिताजी को बोलिए एक लात मारे, सब डिप्रेशन आउट। क्यों? क्योंकि लात खाना और थप्पड़ खाना बंद हो गया इसलिए डिप्रेशन आ गया। मुझे हंसी इस बात की आती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब सर्कस है बना के रखा। मैन आई एम फीलिंग लो, आई एम डिप्रेस्ड, ये कंटाप खींच के पड़ता है ना, सब डिप्रेशन आउट। काम करो नालायक, फ्री बैठे रहोगे तो डिप्रेशन आएगा। ये सब उन बेवकूफों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है, तो बोले क्या है, अटेंशन लेने के लिए कई लोग तो कर लेते कि आई एम डिप्रेस्ड। काहे का डिप्रेशन भाई, खुश रहो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हंसी इस बात की आ रही, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे जूजू के बारे में भी एक वीडियो करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट आती है, लोग पूछते हैं कि सर डिप्रेशन का कोई इलाज? कुछ नहीं है, तगड़ा खाओ, तगड़ी एक्सरसाइज करो, माँ बाप से कुछ ऐसी हरकतें रुक करो कि मार पड़ती रहे, और अगर शादीशुदा हो तो बीवी से डांट पड़ी रही होगी, इसको एंजॉय करो, क्योंकि तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो। ट्रेन में चलने वाले को कभी डिप्रेशन नहीं आता, क्योंकि उसको अपने बटुए की चिंता होती है, उसको ये चिंता नहीं होती कि हमें यार डिप्रेशन की गोली खाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको पता घर जाके गाली खाना, उसमें भी खुश रहता है वो आदमी। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन कम्स फ्रॉम होप। इसीलिए वही है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ज्यादा मत सोचो भाई दुनिया क्या कहती है। सुनो, दुनिया राम से खुश नहीं है, तुम कहाँ पागल टाइप के हो रहे हो। एक और बड़ी चीज है, बड़े नेगेटिव टाइप की, जो बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव सब दुनिया बराबर ही है, लेकिन कुछ पगले टाइप के होते हैं। अब आप उसको सम्मान से बकलोल कह सकते हैं, बुड़बक कह सकते हैं, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, बट आई मस्ट टेल यू दिस थिंग। एक लता मंगेशकर जी के वीडियो पे 4000 डिसलाइक है, एक मक्का मदीना का डॉक्यूमेंट्री है उस पर 1 लाख डिसलाइक है, हनुमान चालीसा जो है उस पर
40-50 हजार डिसलाइक है। मैं ये सोच रहा था कि यार ये किसने किया, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मक्का मदीना के बारे में ये बताया जा रहा कि मक्का मदीना, मैंने अपना भी वीडियो किसी ने मुझे बताया, बड़ा अच्छा लगा। एक वीडियो में हमने कहा माँ बाप की इज्जत करो, गुरुओं की इज्जत करो, उसको 3,000-4,000 लोगों ने डिसलाइक किया। हमें खुशी ये होती कि ऐसे भी आइटम इस देश में पैदा है, तो इसलिए होप कम रखो कि हर आदमी को आप दुनिया में खुश नहीं रख सकते। अपने आप को और अपना परिवार जो है आपका, जो 4-6-8 लोग होते हैं, और सुनो, रिश्ते कम रखो, दोस्ती कम रखो, दुश्मनी भले ही ज्यादा हो जाए चलेगा, दोस्ती कम रखो, खुश रहो यार, अपने लोगों के साथ रहो। और होप जो है ना, होप कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ऐसा है। मेरे बाबूजी बड़ी गजब चीज बोलते हैं कि हमको आगा है अपनी मौत पर पल की खबर नहीं, और सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। आप पूरी जुगाड़ लगाते हो, लेकिन बॉस अभी हम खड़े हैं, वीडियो करें, बूम, एसी गिर गया सिर के ऊपर, निपट गए, फिर हो गया सब। सो इसलिए कम आशाएं रखो और कोशिश करो कि किसी को जो दोगे वो मिलेगा, राइट? इसीलिए दोस्त कोशिश करो कि खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी। खुश रहना जरूरी है, मस्त रहो और नेचर से जुड़ो, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब जितना आप बंद रहोगे उतना डिप्रेशन आता है। अमीरों की बीमारी है, गरीबों को नहीं होती, इसलिए फकीरों की ये बीमारी ली है। कोशिश करो फकीरियत में जीनो, और किसानों की इज्जत करो, देश की महिलाओं की इज्जत करो, सबको सम्मान करो। जब इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, और कोशिश करना ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि इज्जत मिलेगी। गाली भी मिलेगी तो भी उसको तमगे मानना, क्योंकि अच्छे काम में अक्सर गालियां पड़ती हैं, उसमें भी खुश रहने के, चलो सामने वाले ने इतना तो काबिल समझा कि गाली बकी। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।